Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफियाओं में बड़ा नाम शिवार, मुख्तार अंसारी से 15 करोड़ रुपए का प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हिसाब मांगा है। सरकारी धन कहां पर खर्च किया, दोनों बेटे को कितना दिया, विकास कंस्ट्रक्शन में कितना निवेश किया, साले की कंपनी को कितने रुपए दिए, विदेश में कितना रुपए उड़ाया, इन सवालों के जवाब मुख्तार से पूछे गए। जल्द ही ईडी मुख्तार के करीबियों को बुलाकर आमना सामना भी कराने वाली है। मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले ईडी ने उसका बंदा जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बयान दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि उनकी कंपनी से जुड़ी हर लेनदेन की रिपोर्ट तैयार की। इसी आधार पर उनके बेटे जो विधायक हैं अब्बास अंसारी और उनके साले आतिफ रजा से भी पूछताछ हुई थी। अब उसी स्टेटमेंट को मुख्तार के सामने रख दिया गया। मुख्तार से पूछा गया कि इस कंपनी में किसने और कितना निवेश किया है, कंपनी के खाते में जो एफसीआई ने 15 करोड़ रुपए किराया दिया था वो कहां पर खर्च किया गया। मुख्तार पहले तो अनजान बना रहा है, कहते रहे कि कई साल जेल में बंद हैं, उन्हें पता नहीं है। लेकिन जब ईडी ने कंपनी का काला चिट्ठा सामने रख दिया तो मुख्तार की परेशानी बढ़ गई। मुख्तार के सामने अब उनकी कंपनी के कर्मचारियों को लाया जाएगा। इस मामले में जल्द ही सीए समेत अन्य ठेकेदार को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि ईडी मुख्तार अंसारी को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ के दौरान कई सारे जो सफेद पोशाक लोग हैं वो भी चपेट में आ सकते हैं और उनकी परिवार की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को ईडी ली हुई है उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। बाकी आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।